हे hey, नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों, यानी कि आप अपने यानी कि पोस्ट ऑफिस या फिर आपके यानी गांव या फिर आपके सिटी का यानी कि आप पिन कोड कैसे पता करें। ठीक है, तो आपका पोस्ट ऑफिस का आप पिन कोड आसानी से जो आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों बगल में घंटी दिखाई देगी, तो इस घंटी पे भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए दोस्तों हम करते वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। बीच में यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों यानी कि अगर आप कहीं से भी जैसे कि आप शॉपिंग करते हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट से किधर से भी, और आप सामान मंगाते हो तो यानी कि आपको एक पिन कोड डालना होता है यानी कि आपके सिटी का, ठीक है, यानी कि आपके पोस्ट ऑफिस का। तो वो आपको किससे पता करना है कि आपके पोस्ट ऑफिस का यानी कि पिन नंबर क्या है, तो यही बताने वाला हो। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर है जो आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको एक साइट है जो यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिया, यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट डॉट इन, ठीक है, ये आपको सर्च कर लेना है गूगल पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों साइट ओपन हो जाएगी तो आपको नीचे जाना है। देखिए यहाँ पर फाइंड, यहाँ पर पिन कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना फाइंड पे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर है जो सबसे यानी कि आपको अपना जो भी आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और आपका जैसे कि आंध्र प्रदेश या फिर बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, जो भी है आपका वो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मैं मेरा स्टेट जो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसकी मैं मध्य प्रदेश कर लिया हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर है जो सिटी डालना है, ठीक है, यानी कि जो भी सिटी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट है जो आपको यहाँ पे आपको डाल देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो मैं डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ तो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको नीचे फिर से आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस नेम। तो अगर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नेम पता नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर जैसे कि ये 3+4, ठीक है, यानी कि 3+4 कितने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ 7 होते हैं, ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको सर्च पर क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आपके पास यानी कैप्चा कोड आएगा तो वो कैप्चा कोड भी आप डाल सकते हो, ठीक है। मेरे इसमें क्या है कि 7.4 यानी बराबर कितने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3+4 कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। आपके इसमें यानी कि कैप्चा भी आ सकता है तो आप कैप्चा भी डाल सकते हो, ठीक है, जो भी यहाँ पे कैप्चा होगा ना वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने पे दोस्तों देखिए आपको नीचे, ठीक है, नीचे जाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी मेरा पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट का जो भी नाम है, यहाँ से देखिए बहुत सारा पिन कोड आ चुका है, ठीक है, और इस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी यानी कि पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ से आप पता कर सकते हो अपना पिन कोड, यानी कि आपके सिटी का कौन सा या फिर आपके गांव का यानी कि कौन सा पिन कोड है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह से दोस्तों आसानी से यानी कि इस साइट की मदद से यानी कि आप अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है जो या फिर आप अपने सिटी का पिन कोड पता कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक यू, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।